मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता रहा है। इनकी तारीफ करने वालों में सत्ता पक्ष के लोग भी शामिल रहे हैं। नवंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि आर्थिक सुधारों के लिए देश मनमोहन सिंह का कर्जदार रहेगा। ऐसे में G20 सम्मेलन दिल्ली में शुरू होने से एक दिन पहले ही मनमोहन सिंह कहते हैं, मैं भारत के भविष्य को लेकर चिंता से ज्यादा आशावादी हूँ, मगर ये आशावाद भारत के सौहार्दपूर्ण समाज बनने पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि उनके जीवन काल में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ये खुशी की बात है। रोटेशन के तहत G20 में भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला और मैं भारत को G20 की अध्यक्षता करते हुए देख रहा हूँ। विदेश नीति हमेशा से भारत के शासकीय ढांचे का अहम हिस्सा रही है, मगर ये कहना सही रहेगा कि पहले की तुलना में अब विदेश नीति देश की राजनीति में ज्यादा अहम और प्रासंगिक हो गई है। और ऐसा कहकर उन्होंने मोदी सरकार की नीति का समर्थन किया। मनमोहन सिंह ने कहा, भारत दुनिया में कहां खड़ा है, देश की राजनीति में इसका मुद्दा बनना भी चाहिए, मगर ये जरूरी है कि कूटनीति और विदेश नीति का निजी राजनीति या पार्टी के लिए इस्तेमाल न किया जाए। आज़ादी के बाद से एक बड़े लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों वाले शांतिपूर्ण देश बनने और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश होने के नाते दुनिया भर में भारत को सम्मान से देखा जाता है। 2005 से 2015 के दशक में भारत का विदेशी व्यापार दोगुना हो गया, जिससे देश को फायदा हुआ और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकल पाए।